हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JNU MA पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टडीज, और इसको जिसको कि इसका जो कोड वर्ड है वो है PISM। तो इसी के 2021 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिस्कस किया था अलॉन्ग विद द फाइनल आंसर्स। तो जितने भी लोग इस बार के 2022 का आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, JNU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स, सब कुछ दिया जाता है। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है। हमारा जो नंबर है वो है 8448878849। मैं एक बार लिख देता हूँ, 8448878849। और एग्ज़ाम ट्रेजरी की जो टेस्ट सीरीज है वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्लासेस चल रहा है, क्लासेस के बाद जो है फिर स्टडी मटेरियल साथ साथ दिया जाता है और क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी हेल्प के लिए फटाफट आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आइए अब आज डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 अगेन मैच द फॉलोइंग ग्रुप में है, और ये है कि आपको जो है ट्रीटी दी गई है और वो ट्रीटी कौन से ईयर में साइन किया गया था वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है, यानी A1 B2 C3 D4। तो देखिए, इस टाइप की जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पूछ दिया गया है आपको इन टर्म्स ऑफ मैच द फॉलोइंग ग्रुप में, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि ये आपको दे दिया जाएगा कि सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। तो वो भी अगर ऑप्शन आता है तो आपको जो है उस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जो है रेडी रहना पड़ेगा। दूसरा, इसी के बारे में इनके जो है ये भी होता है कि इनके जो कोर थीम्स हैं उसको लेकर मैच द फॉलोइंग के रूप में आपको बोला जा सकता है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट किस ट्रीटी का, किस आर्म्स ट्रीटी का कोर थीम है। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 22 इज मैच द फॉलोइंग टाइप, जहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं और वो कौन से ईयर में फॉर्म किया गया था उसका जो है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, A1 B2 C3 D4, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919, टेली कम्युनिकेशन यूनियन 1865। तो इसमें एक चीज़ ये भी देखना है कि आपसे इसमें ये भी पूछ दिया जा सकता है, अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा तो आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन कौन से ऐसी संस्थाएँ हैं जो यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के पहले से इस्टेब्लिश थी। तो उसमें फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं टेली कम्युनिकेशन यूनियन एंड इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको जो है लीग ऑफ नेशंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, एंड विच वेयर ओवर लेटर टेकन ओवर बाय यूनाइटेड नेशंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू ऑल्सो फाइंड आउट दोज इंस्टीट्यूशंस विच वर स्टार्टेड इन द लीग ऑफ नेशंस बट देन शट डाउन अंडर यूनाइटेड नेशंस, सो यू कैन फाइंड दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 23, वट वॉज द मेन गोल ऑफ द ट्रूमैन डॉक्ट्राइन? कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, असिस्टेंस द ब्रिटिश कॉलोनीज इन अफ्रीका, इन्वेजन टू इराक, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो इसमें आपको किसी एक स्टेटमेंट को चूज करना है, और इसमें आप देखिएगा तो पहला स्टेटमेंट जो है कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ये इनका ट्रूमैन डॉक्ट्राइन था, मेन गोल था। तो एक और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जिसको कि हम लोग मार्शल प्लान के रूप में भी जानते हैं,
यू नो व्हेन एवर यू आर स्टडिंग इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हर एक डॉक्ट्राइन का जो वहाँ के प्रेजेंट के जो डॉक्ट्राइन रही है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट आर द मेन थ्रस्ट एरियाज ऑन विच दे हैव वर्कड एंड फिर आपको अगर मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आ जाता है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल यू नो यहाँ पे आ जाता है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, मार्शल प्लान. तो फिर मैच द फॉलोइंग ग्रुप में मार्शल प्लान में आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू हो जाता है. सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू यू नो प्रिपेयर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल लॉ पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल लॉ इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ विच आई आर थ्योरी. नेचुरल लॉ कौन सी आई आर के परस्पेक्टिव से ये रिलेट करता है, तो यही क्वेश्चन जो है पूछा गया है. तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है जो चार थ्योरीज दी गई है, क्रिटिकल थ्योरी, रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म. तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो इसमें जितने भी लोग जानते हैं सब जो है जानते हैं कि लिबरलिज्म ही नेचुरल लॉ फिलोसफी को या थ्योरी को एडवोकेट करता है. तो यहाँ पे आप लिबरलिज्म डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू दिया हुआ है. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है इंडिविजुअली करेक्ट होंगे या इंडिविजुअली रॉन्ग होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है एट अ लेटर स्टेज वी आर गोइंग टू शेयर दिस. स्टेटमेंट वन, नेगेटिव राइट्स मार्क आउट अ रियल्म ऑफ अनकंस्ट्रेंड एक्शन एंड दस चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. स्टेटमेंट टू, पॉजिटिव राइट्स मेक डिमांड्स ऑन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट एंड दस एक्सटेंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इन द लाइट ऑफ अवर टू स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. मतलब ऑप्शंस क्या है, दोनों करेक्ट है, दोनों रॉन्ग है, वन करेक्ट है, टू रॉन्ग है, टू करेक्ट है, वन रॉन्ग है. तो फिर से आपको ये जो है क्वेश्चन को एक बार देख लेना चाहिए कि इसमें से है कौन सा आपका ये है. तो नेगेटिव राइट मार्क आउट अ रियल्म ऑफ अनकंस्ट्रेंड एक्शन एंड दस चेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज ट्रू. पॉजिटिव राइट मेक डिमांड ऑन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस मीन्स बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट. सो ऑप्शन वन. द इंटरनेशनल, अब यहाँ पे न्यू रियलिज्म के बारे में पूछा गया है कि न्यू रियलिज्म का देखिए कोर थीम क्या है. द इंटरनेशनल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनार्की, वॉर इज द नॉर्मल स्टेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, पीसफुल ऑर्डर कैन ओनली बी एकम्प्लीश टेम्पररीली थ्रू बैलेंस ऑफ पावर. तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. तो न्यू रिलीजन के बारे में किया जाए तो न्यू रिलीजन तो एनार्की बोलता ही है कि इंटरनेशनल लेवल पे एनार्की है ही, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. वॉर इज नॉर्मल स्टेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट है. अ पीसफुल ऑर्डर कैन ओनली बी अकम्प्लिश टेम्पररी थ्रू बैलेंस ऑफ पावर, दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ट्रू है. दिस मीन्स योर ऑप्शन वन, ऑप्शन सी, ए बी एंड सी ओनली, ये करेक्ट है. यानी क्योंकि ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड आउट द करेक्ट प्रोविजंस ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी. अब देखिए जो क्वेश्चन हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इनके मेन प्रोविजंस आपको देख लेने हैं, सिमिलर उसी चीज़ को लेकर यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया गया है जो मैंने ऊपर बोला था मैच द फॉलोइंग के रूप में. यहाँ जब हम लोग मैच द फॉलोइंग देख रहे थे तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन्स है वो देख लेना है, क्योंकि यहाँ आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में प्रोविजन्स पूछे जा सकते हैं. और यहाँ आप देखिएगा तो आपको जो है सिमिलर उसी लेवल पे आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि इनके इम्पोर्टेंट प्रोविजन्स को लेकर, एनपीटी को लेकर क्वेश्चन आ गया. तो क्या है जो ऑप्शंस, जो प्रोविजंस के लिस्ट है, नो न्यूक्लियर पावर में ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स में डेवलप न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स शुड परस्यू नेगोशिएशन टू एंड द न्यूक्लियर आर्म रेस. तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से प्रोविजंस हैं एनपीटी का,
तो नो न्यूक्लियर पावर में ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, दिस इज करेक्ट। नो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स में डेवलप न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि देखिए, जब आप एनपीटी साइन करते हैं, अगर आप नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं तो आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। अ वेपन न्यूक्लियर स्टेट शुड परस्यू नेगोशिएशन टू एंड द न्यूक्लियर आर्म रेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर टू। देखिए, जब भी आप ये क्वेश्चन को डिस्कस हम लोग जैसे कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, तो आपको इस टाइप से ना अपने नोट्स भी तैयार करने हैं, आपको वो सारे पॉइंट्स लिखते चले जाने हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, यू नो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हो सकता है एनपीटी की लोग लेकर नहीं, लेकिन हो सकता है कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्वेश्चन आ जाए इसी तरीके से कि व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो चीजें का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टू ऑफर ए कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। फर्स्ट स्टेट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टू ऑफर कंपल्सरी, फ्री कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। और जो चार स्टेट के यहाँ पे नाम दिए गए हैं वो है आपका ट्रेवेंको, जम्मू एंड कश्मीर, कुर्ग एंड हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रेवेंको। क्वेश्चन नंबर 29, अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट एक्ट, नेमली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। यानी ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ बर्मा जो है इंडिया से सेपरेट जो हुआ था, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पे है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट प्रोविंस, ये करेक्ट है। और देखिए, इसी के बाद जो है 1937 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई थी, सो दिस इज करेक्ट। अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इन 1935 बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, उसको एक सेपरेट इंटिटी बनाया गया था। दिस मीन्स बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सॉवरेन इक्वालिटी। बोथ गवर्नमेंट्स विल टेक ऑल स्टेप्स विद इन देयर पावर टू प्रिवेंट होस्टाइल प्रोपेगेंडा डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच अदर। किसके रिलेटेड ये क्वेश्चन कहा गया है? शिमला एग्रीमेंट, बहुत सही। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो चीजें इसके साथ और कर लेनी है कि शिमला एग्रीमेंट में आपको देख लेना है कि कब साइन हुआ था, कौन कौन से इनके सिग्नेटरीज थे। फॉर एग्जाम्पल, बोथ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड वॉट वेर द इम्पोर्टेंट प्रोविजन्स और वॉट लेड टू द साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट। तो इस टाइप की चीजें आपको जो है देख लेनी है। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि ये बायलेटरल बात कहता है, तो इसका स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप इन काबुल अफगानिस्तान इन 1915। अब देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप इन काबुल अफगानिस्तान इन 1915, यानी यू नो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डेट वॉज फॉर्मड इन 1937, उससे पहले ही इंडिया का प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप किया गया था काबुल में, अफगानिस्तान, इन 1915। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप लोगों को देखना है। तो महेंद्र प्रताप, मौलाना बकतुल्ला, सी पिल्लई एंड सुभाष चंद्र बोस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी पिल्लई। प्लस आपको ये भी देख लेना है कि आप जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, या फिर उसका मोटो क्या था, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो फॉर्म की गई थी वो कहाँ पे फॉर्म की गई थी, वो भी इम्पोर्टेंट है।
अगेन मैच द फॉलोइंग के रूप में है, बुक्स एंड ऑथर्स, टू कल्चर्स और इंटेलिजम, सेपियंस, मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। और देखिए जो एडवर्ड सेड की जो बुक है और इंटेलिजम, इसको लेकर पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वही मैंने आपको बोला कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन को आप इजली जो है डिमार्केट कर पाइएगा कि ये क्वेश्चन IR में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है या ये PISM है। क्योंकि एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की तरफ से जो क्लासेस या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस और IR PISM दोनों को ले रखा है, उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है। द रीज़न बीइंग क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व कर पाते हैं, प्लस उधर से भी बहुत सारे वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और IR के भी क्वेश्चंस अगर पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा डेप्थ में आता है तो वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 2, A3, B5, C4 and D1। और अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है, देखिए अगेन टू स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट है इन फॉर्म ऑफ एसर्सन एंड रीजन। तो एसर्सन रीजन में क्या होता है कि स्टेटमेंट 1 जो एसर्सन होता है, रीजन उसको सपोर्ट करता है। यहाँ दो चीज़ें हैं, बोथ द स्टेटमेंट कैन बी इंडिपेंडेंटली करेक्ट और इंडिपेंडेंटली रॉन्ग, लेकिन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो जाता है, कोई भी एक, तो आपका ए और बी जो ऑप्शन है ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो ही नहीं सकता है कोई भी स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो गया तो। लेकिन हाँ, ये अगर आपने इस चीज़ को देख लिया तब फिर जो है बस ये दोनों बच जाता है। और आपने देख लिया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं 3 और 4, क्योंकि दिस इज़ अ वाइज वे ऑफ आंसरिंग एसर्शन एंड रीजन। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट के जो कॉल्स आते हैं उनका एक प्राइमरी कंसर्न होता है कि सर एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में ही गलतियां हो रही है। और आगे चल के हम लोग आपको बताएंगे कि एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को और आसानी से कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ देखते हैं, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली स्ट्राइव टुवर्ड्स एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू अवॉइड डोमिनेंस बाय वन। The international system is anarchic and there is no international authority to regulate the unruly behavior of the most powerful state. That's also true. International politics, state consciously or unconsciously strive toward an equal distribution of power to avoid dominance by one. That's also true. So, आपका जो है statement 1, statement 2 दोनों true है। यानी आप देख लीजिएगा कि ये 3 और 4 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें कोई एक ही ट्रू हो रहा है, यानी अब ये दोनों बचता है। अब देखना ये है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, यू नो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है, इट्स इंटरनेशनल अथॉरिटी टू रेगुलेट एनार्किक है, ये ट्रू है, यानी दोनों ट्रू है और ये दिस इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। देयरफॉर योर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question, the face situation has existed before the war or event. यानी ये face को क्या बोला जाता है, ये question है। तो इसका simple है status quo ante. तो कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस, कभी कभी नहीं, हर एक साल ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है PISM और IR दोनों में पूछे ही जा रहे हैं जहाँ पे। और प्लस आपको ये भी देख लेना है कि डिटेंटे एंटेंटे इस इन सब का क्या मीनिंग होता है, स्टेटस को का क्या मीनिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स पार्टिसिपेट इन द फेमस बैटल ऑफ हाइफा इन 1918। तो आपको तो ये देख लेना है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बैटल ऑफ हाइफा कब फाइट किया गया था, किनके किनके बीच फाइट किया गया था, कौन से रीजन में फाइट किया गया था। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछ लिया गया है कि इस बैटल में कौन सा बैटल ट्रूप फाइट किया है।
और इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ मैसूर एंड जोधपुर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 36, इन इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री ए कैन प्रोड्यूस 35 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स एंड 10 मिलियन बैटरीज, हाउएवर कंट्री बी कैन प्रोड्यूस 30 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स एंड 35 मिलियन बैटरीज इन ए ईयर। अब देखिए ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो जितने भी लोग जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी सी इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, और हम लोगों ने ये भी सोचा है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को अलग से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जब हम लोग जो है हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि IR और PSM और पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन हैं इनको हम लोग टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक्स में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर जो है सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे है कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट ट्रेड एडवांटेज, कंट्री बी हैज कॉम्परेटिव ट्रेड एडवांटेज, कंट्री ए हैज रिलेटिव ट्रेड एडवांटेज एंड कंट्री ए हैज कॉम्परेटिव ट्रेड एडवांटेज इन कार, इन इलेक्ट्रिक कार्स। तो मोस्टली देखिए दो चीज़ें होती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कॉम्परेटिव एडवांटेज। कॉम्परेटिव एडवांटेज जब भी दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रही है या ट्रेड नहीं भी हो रही है तो कॉम्परेटिव एडवांटेज हमेशा किसी एक कंट्री का ही हो सकता है, और एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों कंट्री का भी हो सकता है इन प्रोडक्शन। और इसको हम लोग सॉल्व करके बताएंगे तब जो है आपको आसान होगा इसको समझना, अभी थोड़ी सी जो है मुश्किल होगी आपको अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है। तो इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन ये डी ओनली है। अब कंट्री ए हैज कॉम्परेटिव ट्रेड एडवांटेज इन इलेक्ट्रिक कार्स, इसलिए नहीं क्योंकि ये 35 मिलियन कार्स एंड 10 मिलियन बैटरीज बना रहा है एंड 35 मिलियन। ये देखा जाता है कि जो भी एक कंट्री बना रही है, जैसे ये 35 मिलियन बना रहे हैं, दिस मीन्स कि इनका मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस ये इलेक्ट्रिक कार्स में ही जा रहा है बनाने में। इसीलिए जब भी हम लोग कंपेटिव एडवांटेज की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, तो दो चीज़ें हो जाती है, लेबर इंटेंसिव और या फिर हो सकता है कैपिटल इंटेंसिव। ये यूजुअली लेबर एंड कैपिटल जो है दो अलग अलग टर्म डिनोट किया जाता है और बोला जाता है कि कंट्री का किसी एक में ही एडवांटेज हो सकता है, या तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन में या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिएगा कि कंट्री ए का जो है इलेक्ट्रिक कार्स में कंपेटिटिव एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू कंट्री बी। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाले जो टॉपिक्स हैं इसको सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे। हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत, और आप लोग जानते ही हैं कि कुछ समय पहले इनका चॉपर क्रैश में डेथ हो गया था, विच वॉज ए वेरी सैड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ NPT रीजन, यानी कि यहाँ पूछा गया है कि कौन कौन से कंट्री ने, किस कंट्री ने NPT का साइन किया है। अब आपको पता ही है कि इंडिया ने साइन नहीं किया है, तो इस तरीके से भी आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ईरान जो है जिसने साइन किया है, पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया ने NPT को साइन नहीं किया है। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट को लेकर गया गया है, कौन किसके, कश्मीरी किंगडम को लेकर, राजथंगनगिरी। तो इसको ये पूछा गया है कि इस टेक्स्ट को किसने लिखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कल्हाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इज लोकेटेड इन। अब देखिए AIIB, एक तो आपको इसमें ये देख लेना है कि इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन कितना हुआ है, किस कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा, इंडिया का इसमें कितना शेयर है, तो ये सब सारा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और AIIB का जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग में है, क्योंकि ये चाइना बैग्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है।
अब मान लीजिए इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो कहाँ पे लोकेटेड है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 20 इसलिए सो दैट कि आप इस 20 को 100% कंप्लीट कर लें। एक एक क्वेश्चन को देखें कि कितने डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में चला गया है, और उन सारे क्वेश्चंस को आप शायद थोड़ा सा सॉल्व करना सभी के लिए मुश्किल होगा। लाइक विच इज द फॉलोइंग ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स, ये थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में चला गया है। तो एक ही क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा डेप्थ में, बाकी जितने क्वेश्चन हैं दीज आर इजी टू सॉल्व अगर आपने। हाँ, फिर प्लस ये जो है जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसमें भी थोड़ा सा आप ये बोल सकते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में पूछा गया है। बाकी सारा जो है नॉर्मल क्वेश्चन है विच आर इजी टू आंसर। सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। और यू कैन ऑल्सो मैसेज अस ऑन आवर नंबर 8448878849 एंड विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। सो कीप वॉचिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।